हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे भाई है जिनकी ओर से कमेंट आ रहा है कि मेरा पास मेरा फादर का या मेरा ग्रैंडफादर का जो लैंड डॉक्यूमेंट से या जो दलील है उसमें उनका नाम गलत है या उनका जो नाम का जो स्पेलिंग है वो गलत है या कई बार क्या होता है कि उनका जो टाइटल होता है वो गलत है। टाइटल अगर गलत है या दलील का जो दाग नंबर होता है या जो पट्टा नंबर होता है उसमें कुछ गलत है तो क्या मेरा नाम NRC में नहीं आएगा, क्या मेरा नाम NRC से कट जाएगा। ऐसे लेकर बहुत सारा आप लोगों के मन में क्वेश्चन है, आप लोगों के ओर से ऐसा रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मेरा दलील भी या मेरा लैंड डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या मेरा नाम NRC में नहीं आएगा, वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा कर रख लीजिए, आगे चल के नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक को सबसे पहले मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके दलील पे या आपके लैंड डॉक्यूमेंट्स पे अगर कुछ स्पेलिंग का कोई गड़बड़ है, अगर आपका नाम का जो स्पेलिंग है या आपका टाइटल में कुछ गड़बड़ है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। NRC को लेकर और ये लैंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर या दलील का लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NRC में जो लीगेसी डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ लैंड डॉक्यूमेंट्स या दलील नहीं है। आप अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, जो लैंड डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे देखिए 1951 NRC को लेकर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ लैंड डॉक्यूमेंट्स को ही नहीं, लैंड डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप किसी और डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपना सिटीजनशिप प्रूव कर सकते हो। इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लैंड में जो स्पेलिंग कुछ प्रॉब्लम है स्पेलिंग में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। NRC में अगर आपका ऐसे डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप किसी और डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना सिटीजनशिप आप प्रूव कर सकते हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है कमेंट कर देना, जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।